ये है श्री नीम करौली बाबा जी का आश्रम, या नीम कैंची धाम भी कह सकते हैं आप। यहीं पास में हमने रूम लिया है। भीड़ अभी से देख रहा, अभी आप 7 बजे भीड़ देगी। तो ये आप लोग हाल देख सकते हैं। सुबह 3 बजे जाने वाले लोग, 4 बजे सॉरी, उठ के दर्शन करने वाले लोग हैं ये लोग, जो कि अभी टाइम कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, 8 बज रहा है, स्टिल स्लीपिंग एंड स्लीपिंग। कोई होश खबर नहीं है दर्शन कब करने इन लोगों ने। हमें भी पता नहीं कब कराएंगे लोग दर्शन। बने रहो साथ में, देखते रहो। भाई साहब देख सकते हैं आप लोग, यहाँ बहुत तगड़ा एरोप्लेन उड़ने वाला है, सीधे कैंची धाम से रोजा शाहजहांपुर के लिए ये फ्लाइट टेक ओवर कर रही है। क्यों हिला डाला ना दोस्तों, जैसा कि आप मेरी शक्ल देख पा रहे हैं, सुबह 7 बजे का बंदा उठा हुआ है, लेकिन बज चुके हैं 11:30 और अब तक हम केवल मजे ही मार रहे हैं। अभी तक रेडी हो नहीं पाए, पता नहीं कब होंगे, हालत खराब है। एक एक करके बंदा नहा धो के रेडी हुए जा रहा है। लास्ट में मेरा नंबर है, मैं थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता हूँ। अब तैयार हो के फिर जाएंगे बाबा दर्शन करने नीम करौली आश्रम के। देखते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं जहाँ तक वीडियो, क्योंकि आजकल मंदिरों में आपको भी पता है हर मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं होता, नीचे भी नहीं है, तो इसलिए अभी आगे चल के हमें पता लगेगा। मेरा तो फर्स्ट टाइम है यहाँ आने का, कि कहाँ तक हम कैमरा और वीडियो दिखा सकते हैं। जहाँ तक की भी बना सकते होंगे वहाँ तक आपको जरूर दिखाएंगे। बने रहो साथ में, जय भोले हर। फाइनली दोस्तों, एग्जैक्ट 11:15 पे हम निकल गए हैं अपने रूम से। चेकआउट कर रहे हैं अब ये लोग, फिर हम लोग जा रहे हैं कैंची धाम के दर्शन करने। और धूप हो गई बहुत तेज, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और पीछे ही हमारे मंदिर, जो कि अब भीड़ बिल्कुल नहीं है, तो जाके दर्शन करके आते हैं और आपको भी दिखाते हैं। बने रहो साथ में, चलो कैंची धाम यहाँ आएंगे। और ये आपको सामने ही इधर कैंची धाम दिखेगा, तो ये जो रिसोर्ट पड़ेगा ना, बाबा बेनीसन वाला सही रिसोर्ट है। कमरा भी सही दाम पे था और खान पीन भी ओके बढ़िया, और गर्म पानी की सुविधा भी, पीने के लिए भी गर्म पानी दे दिया था भाई साहब, मजा आ गया था। दोस्तों कैंची धाम बाबा आश्रम का क्या महत्व है, क्या इतिहास है, वो सब आपको ये हमारे भक्त इंसान बताएंगे। हाँ जी सर, कैंची धाम बाबा हनुमान जी के रूप माने जाते हैं, बहुत चमत्कारी बाबा हैं। इनकी बहुत सारी कहानियाँ हैं। ज़िंदगी से हताश हो जाओ, निराश हो जाओ, तो ये भाग्य बदलने वाला दौर है। आइए हम सब मिलके आज अपना भाग्य बदलें। अबे किधर है बे? कंट्रोल। तो जो और आगे का इतिहास है, जैसे नीम करौली बाबा जो हैं, इनका काफी सारी क्या कहते हैं कहानियाँ प्रसिद्ध है, जो कि थोड़ी बहुत मुझे एक आध पता है, मैं आपको बता देता हूँ जी। जैसे कि एक बार बाबा जी कहीं पे जा रहे थे अपने साथ वाले लोगों के साथ, तो इनकी गाड़ी का तेल खत्म हो गया, तो इन्होंने क्या किया, एक जो तालाब साहब में पड़ रहा था, आसपास कोई पेट्रोल पंप था नहीं तो कैसे जाए, तो इन्होंने एक कैन दे के या कमंडल दे के अपने शिष्य को कहा कि जाओ तालाब से पानी ले आओ। उस पानी को डाल के गाड़ी में इन्होंने गाड़ी वहां तक लेके आए, और कुछ समय बाद उतना ही जितना इन्होंने पानी निकाला था उतना तेल उस जाके तालाब में दोबारा से डलवाया। कहा जाता है ये, वो ये कहते थे कि प्रकृति से जितना आप लो उतना प्रकृति को वापस दे दो, तो प्रकृति आपको देती रहेगी। और इन्हें भगवान का अवतार भी माना जाता है। और यहाँ से कहा जाता है कि आप अगर यहाँ आएंगे तो यहाँ पे आपकी मनचाही इच्छा पूरी होगी। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि यहाँ पे फेसबुक और वो मार्क जुकरबर्ग और वो स्टीव जॉब, ये सब यहाँ आके गए, तब जाके बहुत तगड़े तगड़े काम करे हैं। आपको इतना ज्यादा इन्होंने ज्ञान पूर्वक यहाँ पे आके, मतलब आपका ज्ञान वर्धक होगा, शांति मिलेगी, दिल के क्या कहते हैं उसे, अंतर आत्मा से तृप्ति मिलेगी आपको। तो इसलिए एक बार अपने जीवन में जरूर आए, दर्शन करें। अब चलो हम लोग आपको दर्शन कराते हैं। चलो जय 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 नीम करौली धाम की जय, कैंची आश्रम की जय, कैंची धाम की जय, नीम करौली बाबा की जय। और तगड़ा पार्किंग एरिया, जैसे कि आप देख सकते हैं बस ट्रेवलर्स कार सब कुछ यहीं पे खड़ी है। एक पीछे भी पड़ा था जो कि बिल्कुल रोड के कॉर्नर पे था, बट हमने वहां ना खड़ी करके कार यहाँ पे खड़ी करने का विचार विमर्श किया। अब यहाँ पे कार हम लोग लगा के फिर आगे बढ़ेंगे कैंची धाम आश्रम की ओर। भीड़ अभी भी अच्छी खासी है, लोग देख रहे हैं आप लोग, तो प्रसाद वितरण कर रहे हैं यहाँ पे, जिनकी मनोकामना पूर्ण हो रही है वो ऐसे ऐसे प्रसाद वितरण करते हैं। देखिए आप विचलित होता है। यस, और ये चूल्हा दा किचन, बहुत तगड़ा रेस्टोरेंट है यहाँ पे।
बाबा जी की आप तस्वीरें देख सकते हैं, देवभूमि होम स्टे देख सकते हैं। यहाँ तक हम आए थे रात में, तब तो बिल्कुल खाली शांत था। आप देखिए है बाबा का धाम नीम करोली। अरे अभी भी लग रहा है थोड़ी सी तो लाइन है, हल्की फुल्की नहीं है। चलो ठीक है, वैसे तो वहाँ तक लाइन बनती है। और वो है मंदिर जहाँ सफ़ेद वाला जो आप देख रहे हैं, वो है बाबा जी का असली मंदिर। अब हम लोग यहाँ से पता नहीं कहाँ गाड़ी खड़ी करके और कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, आई डोंट नो। हमारे पास टूरिस्ट गाइड एंड ड्राइवर बोथ आर अवेलेबल, दे विल थिंक व्हाट टू डू, वी विल जस्ट गो बिहाइंड देम। हमारे पास मिस गाइड और ड्राइवर। और ये आप देख सकते हैं हस्की, भाई साहब का फोटोशूट चल रहा है, उस पर ध्यान ना देके पीछे हस्की देखिए आप, पहाड़ों के कुत्ते, बहुत ही शानदार। ये देखिए इनके साथ फ़ोटो खिंचवाने के 10 रुपये आप अगर खिंचवाना चाहें। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, आह क्यूट हस्की। अब मेरे को पता नहीं है हस्की तो मैं बोल रहा हूँ, आई डोंट नो इनको क्या कहते हैं, क्या नाम है इनका। ये है श्री कैंची धाम परम पूज्य बाबा श्री। लाइन चली जा रही है, हम भी पीछे पीछे चल रहे हैं, यू नो इंडिया भेड़ चाल चलती रहती है, जिधर जाए गाड़ी उधर ही उधर चलते रहो पीछे पीछे लोगों के। त्योहार होने के बाद भीड़ है, ये देख रहे हैं आप, आज है करवा चौथ, फिर भी देखिए भीड़ कितनी है। मारुति मिनी मार्ट भी है यहाँ पे, अब इस मार्ट में क्या मिलता है वो हम बाद में देखेंगे। वेरी गुड मार्केट हेयर इफ यू वॉन्ट टू डू एनी काइंड ऑफ शॉपिंग। ऑल्सो फूड कोर्ट्स आर अवेलेबल एट सम डिस्टेंस। मेरी अंग्रेजी खत्म हो गई है, अब ये भी मुझे सिखाना पड़ेगा। नाउ आई विल टेल यू इन हिंदी इन माई लैंग्वेज कि भाई साहब थोड़ी थोड़ी दूरी पे यहाँ पे फूड स्टॉल्स, फूड रेस्टोरेंट्स, सब कुछ आपको मिल जाएगा। शॉपिंग के लिए भी अच्छी खासी शॉप्स हैं यहाँ पे, जो आप शॉपिंग कर सकते हैं। अब हम फिर से जाम में थोड़ा सा फंस चुके हैं, जरा सी रोड है, गाड़ियाँ हैं ज़्यादा। अब जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, कार पार्किंग 120 रुपीज़ है, बाइक पार्किंग 50 रुपीज़। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग कार पार्किंग से ही नंगे पैर हो चुके हैं, अब हमें आगे जाना है। ये जो हमारे आगे चल रहे हैं हमारे बड़े भाई साहब, इन्होंने कहा है आप यहीं से उतार लीजिए जूते चप्पल, क्योंकि आगे आपके जूते खो सकते हैं, कोई और पहन के जा सकता है। वैसे हमने चप्पलें पहनी हुई थी, अब चले रहो। ये ऑफ रोड एडवेंचर्स आप कर सकते हैं। हमारी कार पार्किंग है इस रेस्टोरेंट के सामने, शे देख सकते हैं आप। दोस्तों अभी मैंने सुना है अपने कानों से कि यहाँ से नैनीताल के लिए शुल्क जो है वो 100 रुपये है मात्र टैक्सी का, जो भर के जाती है, अलग से नहीं, पूरी फुल होके जाएगी कई सारे लोग, तो 100 रुपये में आप यहाँ से नैनीताल पहुँच जाएंगे। ये आ चुके हैं कैंची धाम। ये देखिए लग रहा था कि भीड़ नहीं है, लेकिन अच्छी खासी हो गई है, फील हो रहा है। ये देखिए कैसे मना करते रहते हैं गार्ड यहाँ पे फोटो खींचने के लिए भी। ये भाई देख लो नमस्कार कर गया है। इसमें आप एंट्री लेंगे, सबसे पहले आपको माता रानी जी की एक मूर्ति प्रतिमा मिल जाएगी, फिर भोलेनाथ जी का शिवलिंग, उसके बाद राम दरबार, फिर सीधे आपको दर्शन होंगे हनुमान जी के, और फिर है बाबा नीम करोली जी। फिर आप घूम के आएंगे तो एक पूजनीय माता जी भी हैं, उनका है दरबार, फिर सीधे आपको एक बुक शॉप मिल जाएगी। घूम के राउंड राउंड घुमा के बस मंदिर ख़त्म हो जाता है, मंदिर का प्रांगण। तो वहाँ पे एक बुक शॉप है जहाँ पे आपको 5-10 रुपये में बाबा जी की फ़ोटोज़ वगैरह मिल जाती हैं, बुक्स मिल जाती हैं यहाँ की कुछ, और उसके बाद प्रसाद मिलता है हर किसी को।
प्रसाद लेके आप सीधे बाहर आ जाइए और यहाँ पे फोटो वगैरह बहुत ज़्यादा सोच समझ के और बस यहाँ से ही खींच सकते हैं आप। इससे थोड़ा सा आगे यहाँ तक भी जाते हैं अगर ये जो जाल लगा है तो फोटोज मना हो जाती हैं। तो ये था बाबा नीम करौली आश्रम, उम्मीद करते हैं आप सबको पसंद आया होगा। बाबा आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय हो बाबा जी की, जय नीम करौली धाम की, जय कैंची धाम की। ये देखिए आप नीम करौली धाम, और यहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ बाबा की, वो ये है यहाँ पे बाबा, ये मूर्ति बनी हुई है। तो दोस्तों ये था नीम करौली बाबा जी का धाम, जहाँ अंदर कैमरा ले जाना मना था, यहाँ तक भी हमें मना कर रहे हैं सेल्फी के लिए। ये आप लाइन देख रहे हो, यहाँ पे है बाबा जी की मूर्ति। ये हम आपको यहाँ से इतनी दूर पे दिखा रहे हैं, ये पूरा रास्ता ये जाता है ऐसे गोल गोल घूम के, और फिर आप यहाँ से ऐसे घूम के यहाँ से वापस। ये है बाबा जी का धाम, जहाँ से ये भीड़ आ रही है, और यहाँ पे आपको मिल जाता है टैक्सी स्टैंड, जहाँ से आप नैनीताल के लिए टैक्सी कर सकते हैं। ये है टैक्सी स्टैंड, यहाँ टैक्सी खड़ी रहती है 100-100 रुपये में आपको नैनीताल पहुँचाने के लिए। ₹400 के जी अखरोट, कितने सॉफ्ट। उसने ये दो बुक्स परचेज की हैं भाई साहब, कितने कितने रुपए की हैं ये? मैं 100, ये मतलब सुंदरकांड पार्ट की है। हाँ, ये रामदास बाबा की है, ये अंग्रेजी देख रहा, अंग्रेजी में भाई ने लिया, अंग्रेजी में, और उसके बाद एक हिंदी में भी ली खुद पढ़ने के लिए। अंग्रेजी वाली ये बांटेंगे नहीं। पहाड़ी प्रोडक्ट, फैंटेसी पहाड़ी प्रोडक्ट, जो की है अनुपम प्योर वेज रेस्टोरेंट। तो चलो और बढ़ो, आ जाओ, चलो चलो चले रहो। जय बाबा जी की, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा। ये पहुंच रहे हम लोग अनुपम रेस्टोरेंट, सही लग रहा है एटमॉस्फेयर। ये देखिए आप एम्बियंस, और ये राम 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 राम। अवर मसाला पापड़, दिस इज अवर चिली पनीर ड्राई, एंड ही इज़ एंजॉइंग। इनके मुंह देख के आप कैसे सोच सकते हो कि बहुत टेस्टी लगा इन्हें, मज़ा आ गया। मतलब खाने को हम बुरा कभी नहीं कहते, खाना जैसा भी बहुत बढ़िया, मज़ा मज़ा मज़ा। इडली भी आ चुकी है, अब क्या जबरदस्त धनिया रख के दिए, देख रहे हैं आप। और ये दोस्तों हम दिखाना भूल गए, फ्राइड राइस और राजमा चावल भी आए थे, जो कि साफ हो चुकी है प्लेटें। ये फ्राइड राइस थे, फ्राइड राइस तो मेरे पास नहीं है, राजमा चावल ख़त्म हो चुके हैं। तो ये सब भी निपट चुका है, अब हम लोग लगभग हल्का फुल्का पेट भर चुका है सबका, अब थोड़ा बाहर निकलेंगे और कुछ और देखते हैं, नया ट्राई करेंगे। चलो, तो दोस्तों खाना पीना सब डन हो चुका है, अब गाड़ी निकल रही है हमारी यहाँ पार्किंग में से, अब हम लोग आगे जा रहे हैं। पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, घर की तरफ जा रहे हैं, नैनीताल जा रहे हैं, अभी कुछ नहीं डिसाइडेड है। यहां से आगे जहां भी जाएंगे वहां का आपको पता लगेगा। अभी देखिए हमारी यहां चढ़ाई से गाड़ी कैसे निकलती है, देखो। क्या बात है, क्या बात बोली भाई ने। अगर आप लोग नहीं सुन पाए तो मैं बता दूं, बाबा को लोगों ने कहा था ये जंगल में आश्रम बना रहे हो तो कौन आएगा यहाँ, तो बाबा जी ने बोला था कि दुनिया आएगी, और आज आप लोग देख सकते हैं देश विदेश के प्राणी यहाँ आते हैं और यहाँ आके सुकून और अपना मन चाही इच्छा पाते हैं, बहुत ही जबरदस्त। Thank you.